नमस्कार। तो पंजाब ने भी अपना राउंड टू का निकाल दिया है डिटेल्स, और जो कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली है वो अभी कल निकालना था, अभी तक निकाला नहीं है। फाइन। अब उन्होंने बोला है कि जो आपके पास फ्री एग्जिट की सुविधा है वो 28 फरवरी तक है। हम सभी जानते हैं कि एमसीसी का जो नया नोटिस आ गया है कि स्टेट्स हमारे पीछे पीछे चले, जो उनको डीम ने प्रेशर डाला होगा आई एम श्योर। तो उसके हिसाब से अब देखिए जो असली एक्शन है वो तो बहुत लेट स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से इन्होंने 28 फरवरी तक, फेब एंड तक आपके पास ऑप्शन है कि जो आपने राउंड वन में सीट लिया उसको आप रिजाइन या सरेंडर कर सकते हैं विथ फ्री एग्जिट। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट आज से स्टार्ट होके फरवरी एंड तक चलेगी। इसमें हमें दिखाना होता है कि भाई हम विलिंग हैं, फिर मेरिट लिस्ट निकालेंगे 2 मार्च को चॉइस फिलिंग, सेम वही 3 से 6 मार्च, प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 मार्च, और फाइनली रिपोर्टिंग तक का टाइम 15 मार्च। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, उत्तर प्रदेश ये 15 मार्च, ये भी 15 मार्च, तो मान सकते हैं कि फिर से वही पूरा लेट चलेगा। और एमसीसी जिसकी काउंसलिंग अगर आज शुरू होकर वो फेब एंड या मार्च 1 वीक तक चलेगी, तो स्टेट्स हैं वो तो अपना आराम से अब मिड मार्च तक चलेंगे। फिर एमसीसी का मॉपअप जो बहुत फेमस है वो स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल की भी डेट अब डाउट में आती जा रही है मेरे हिसाब से, तो कहीं मुझे डाउट है कहीं वो अब 15 अप्रैल ना खिंच जाए सेशन स्टार्टिंग का। सबसे बड़ी बात, कौन कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था और रजिस्ट्रेशन फीस पे रखी थी 1500 रुपीज की, वो कर ही सकते हैं। जिनको सीट नहीं मिली थी, जिनको मिली थी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा था, या जो सरेंडर कर दें, बेसिकली सब कर सकते हैं। इट्स अ ओपन थिंग एंड वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। हाउ डस अब आ सकते हैं नन्हे। अब आप ये देखिए कि लास्ट टाइम लेकिन हमने खाली 1500 रुपीज दिए थे, तो अब हमें वही जो इनका रहता है कि सिर्फ सरकारी कॉलेज वालों को 10,000 रुपये, सरकारी और प्राइवेट दोनों को 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे, और सिर्फ फिर रूल चलेगा कि सीट मिलेगी नहीं लेंगे तो वो पैसे जब्त हो जाएंगे। पंजाब में आप ध्यान रखिए, पंजाब के आपको हम जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की सीट सब्सिडाइज है, लेकिन है वो प्राइवेट कॉलेज, राइट? तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पे मनी फॉर दैट। और हम जानते हैं कि पंजाब सेकेंड राउंड में हो जाता है ओपन स्टेट, तो जो भी इंसान चाहते हैं नॉन पंजाबी वो भी अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे पंजाब की काउंसलिंग में। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले सीट मिलती है पंजाब डोमिसाइल को, तो पंजाब डोमिसाइल वाले के 200 नंबर भी हैं, नॉन पंजाब के 500 नंबर भी हैं, तो पहले सीट पंजाब डोमिसाइल के 200 नंबर को मिलेगी। इस लॉजिक के कारण नॉन पंजाब के किसी बच्चे को मैंने आज तक सीट मिलती नहीं देखी सस्ते कॉलेजों में। ओके। इसके अलावा और कुछ नहीं, देखिए बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। आपकी सीट अपग्रेड हो गई तो लास्ट सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने राउंड वन में सीट ले लेती है, फीस पे करी है, वो फीस एडजस्ट हो जाती है, तो वो सब कॉमन बातें हैं। पंजाब में जैसे हम सभी जानते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं है राउंड टू में, फिर ये मॉपअप में कर देते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिसके लिए उन्होंने आपसे ये विलिंगनेस मांगी है। एंड ऑफ कोर्स विलिंगनेस के साथ साथ आपको ये पैसे भी ऑनलाइन जमा कराने होंगे सेम पोर्टल के थ्रू, ठीक है? सो ये सब है पंजाब के लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि पंजाब में भी दिक्कत ही हुई है, राउंड वन में बहुत ही माइन्यूट ना के बराबर ही अलॉटमेंट हुई है, बिकॉज जो कि एमसीसी के साथ जो हमारी कॉमन शेयरिंग हो जाती है हम जानते ही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। तो पंजाब के लोगों को दिल नहीं अपना तोड़ना चाहिए, और राउंड टू में पूरी उम्मीद है कि हमें सीट मिलेगी। अभी तक जो कहा था कि जो सीट मैट्रिक्स का आना था कल शाम को, अभी तक वो नहीं आया है, ठीक है ना? सो ये आपके लिए कहानी है। उसके अलावा कुछ इसमें से हमने डिस्कस किया है, मैंने कर ही चुका था कि कुछ ऐसा खास है तो नहीं है, तो आप लोग कर कीजिए।
बेस्ट विशेष, ये शेड्यूल को ध्यान रखिए, बहुत समय है, बस भूल मत जाइएगा। लास्ट ईयर तो मुझे याद पता है 3 3 दिन मिलते थे, इस बार देखिए चॉइस फिलिंग के लिए तो 3 ही दिन है। होता क्या कि इतना लेट है कि हम भूल जाते हैं, तो अपने कैलेंडर में लगा के रखिए कि आपको 4 तारीख को ये चॉइस फिलिंग करनी ही करनी है। ठीक है, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।